ग्वालियर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल शॉप पर पहुंचे दो चोरों ने दुकानदार को बातों में उलझा कर विदेशी करेंसी से भरा बैग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद संचालक थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि बॉक्स में 38,000 रुपये की विदेशी करेंसी थी, जो कि अलग अलग देशों की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये पिछले रविवार को यहाँ पर एक संघल भवन है राजकीय बोर्डिंग के सामने इंद्रगंज में, वहाँ पर शॉप है और शॉप में विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने का इनके पास में लाइसेंस है। इनके पास एक फ़ोन आया कि लोग करेंसी चेंज कराती हैं, तो उन्होंने बताया कि सोमवार को आप आइएगा। सोमवार को दो व्यक्ति उनकी दुकान पर पहुँचे और दुकान पर इनके बातचीत में उलझा कर एक व्यक्ति धीरे से उनके दुकान में घुस आया और बातों में मतलब उलझा कर जो करेंसी भरा जो पैकेट रखा हुआ था वो पैकेट ले गया।